मेरे महबूबे पाक ने फरमाया, ईद की नमाज पढ़ने से पहले कोई मोमन ना खाए ना पिए ना जमा करे, गोया उसने पूरे साल अल्लाह ताला की इबादत की। रसूल पाक के दौर से पहले दो ईदें की जाती थी, दो खुशियां की जाती थी, एक नवरोज की खुशी और एक मौसम बहार में मेर जान की खुशी। ये दो खुशियों के दिन थे, लोग इकट्ठे होते थे, हड़बड़ मचाते थे, जिस तरह आजकल मेला होता है इस तरह मेला मनाते थे। ना कोई खुदा का खौफ होता था, ना अल्लाह उसके रसूल की अतात होती थी। जब दीन इस्लाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और अल्लाह के महबूब को अल्लाह ताला ने दो ईदें अता फरमाई, एक ईद उल फितर जो रमजान शरीफ को मुकम्मल करने के बाद खुशी मोमन को अता होती है, और दूसरी ईद उल अज़हा। وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ